चिरंजीवी पवन से काजल निशा तक, ये हैं साउथ के 8 फ्लॉप भाई और बहन। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई भाई बहनों की जोड़ियां हैं जिनमें से कोई हिट है तो कोई फ्लॉप। आज आपको ऐसे ही कुछ भाई बहनों से मिलवाने जा रहे हैं। इनमें से किसी ने फिल्मों में खूब नाम कमाया, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें उतनी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। भाई चिरंजीवी की तरह कामयाबी हासिल नहीं कर पाए पवन कल्याण। एक, चिरंजीवी और पवन कल्याण दोनों सगे भाई हैं, लेकिन जहां चिरंजीवी 61 साल की गिनती सुपरस्टार में की जाती है, वहीं पवन 45 साल बड़े भाई की तरह कामयाबी हासिल करने में सफल नहीं हो पाए। हालांकि उन्होंने भी साउथ की कई फिल्मों में काम किया है। चिरंजीवी ने 1979 में फिल्म पुंगिरल्लू से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन उनकी पहली रिलीज फिल्म प्रणाम खरीदू 1978 है। उन्होंने मनबोरी पांडावलू 1978, इदी कथा कद 1979, सुभालेखा 1982, कैदी 1983, माची डोंगा 1988 सहित कई हिट फिल्मों में काम किया है। चिरंजीवी ने फिल्म प्रतिबंध 1990 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके अलावा वे कुछ और फिल्मों में नजर आए। वहीं पवन कल्याण ने अखरा अमई एक कड़ा अबाई 1996 फिल्म से डेब्यू किया। इसके अलावा उन्होंने गोकुलामलो सीता 1997, गोकुलाते सिथई 1996, ठोली प्रेमा 1998, थमुद 1999, जलसा 2008, 3 मार्च 2011 सहित कई फिल्मों में काम किया। पवन की फिल्में भी हिट रही, लेकिन वे बड़े भाई की तरह कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। दो, काजल और निशा अग्रवाल। काजल अग्रवाल 31 साल की गिनती जहां साउथ की हिट एक्ट्रेसेस में की जाती है, वहीं उनकी बहन निशा अग्रवाल 28 साल बहन की तरह सफलता हासिल में कामयाब नहीं हो पाई। काजल ने लक्ष्मी कल्याण 2007, मदिरा 2010, मिस्टर परफेक्ट 2011, थुप्पाकी 2012, नायक 2013, चंदा मामा 2007 जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। काजल ने क्यों हो गया ना 2004 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड फिल्म सिंघम 2011, स्पेशल 26 2013, दो लफ्जों की कहानी 2016 में अभिनय किया है। वहीं निशानी ये मैंडी इवेला 2010, सोलो 2011, इष्टम 2012, भैया भैया 2014 सहित अन्य फिल्मों में काम किया है। तीन, सूर्या और कार्तिक। सूर्या 41 साल और कार्तिक 40 साल दोनों सगे भाई हैं। जहां सूर्या की गिनती सुपरस्टार्स में की जाती है, वहीं कार्तिक बड़े भाई की तरह सफलता हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाए। सूर्या ने फिल्म नेरुकुनेर 1997 से डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने नंदा 2001, उन्नई मिनेथु 2002, मनम पिसिये 2002, काका काका 2003, गजनी 2004 सहित कई फिल्मों में काम किया है। वहीं कार्ति ने परुथी वीरन 2007, आईरा चिलोरवन 2010, सिरथई 2011, एलेक्स पांडियन 2013 सहित अन्य फिल्मों में काम किया है। चार, नगमा और ज्योतिका। नगमा 45 साल की गिनती साउथ की हिट एक्ट्रेसेस में की जाती है, वहीं उनकी छोटी बहन ज्योतिका 38 साल को वो सफलता नहीं मिल पाई। नगमा ने अपना फिल्मी करियर फिल्म बागी 1990 से शुरू किया था। नगमा ने सनम बेवा 1991, यलगार 1992, किंग अंकल 1992, सुहाग 1993, हस्ती 1992 सहित अन्य फिल्मों में काम किया है, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाई। इसलिए उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। यहां उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने घराना मोगुल्लू 1992, दिनती अल्लुदु 1991, अल्लरी अल्लुदु 1993, अरविंधन 1997, अल्लारी रामुदु 2002 सहित कई फिल्मों में काम किया है। फिलहाल नगमा फिल्मों से दूर राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं
ज्योतिका ने 1998 में आई फिल्म डोली सजा के रखना से डेब्यू किया था। फिल्म सुपर फ्लॉप रही और वे भी बहन की तरह साउथ इंडस्ट्री में आ गई। उन्होंने वाली 1991 पुवेल्लम केतु पर 1999 खुशी, 2000 कॉमा थेनाली, 2000 कॉमा स्टार, 2001 सहित कई फिल्मों में काम किया। 5. पृथ्वीराज सुकुमारन और इंद्रजीत सुकुमारन। पृथ्वीराज 34 साल साउथ के सुपरस्टार हैं, वहीं उनके बड़े भाई इंद्रजीत सुकुमारन 36 साल की गिनती हिट स्टार्स में नहीं की जाती है। पृथ्वीराज ने काना कंदेन 2005, मुजही 2007, वेल्लिथिराई 2008, निन्नैथाले इन्निकम 2009 सहित कई फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा पृथ्वी ने बॉलीवुड फिल्म अय्या 2012, औरंगजेब 2013, नाम शबाना 2017 में काम किया है। वहीं इंद्रजीत ने उमामप्पन यादप्पया 2002, मीशा माधवन 2002, रनवे 2004, क्लासमेट 2006, छोटा मुंबई 2007 सहित कई फिल्मों में काम किया है। 6. आरती अग्रवाल और अदिति अग्रवाल। आरती अग्रवाल अब इस दुनिया में नहीं है, ने साउथ की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। उन्होंने नुवन्ना कुन्नाचव 2001, अल्लारी रामुर 2002, बॉबी 2002, विनर 2003, छत्रपति 2004, गोरी नटकुर 2008 सहित अन्य फिल्मों में काम किया था। आरती ने बॉलीवुड में पागलपन 2000 कॉमर में अभिनय किया था। वहीं उनकी बहन अदिति 30 साल इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। उन्होंने गंगोत्री 2003, कुडुकु 2004, विद्यार्थी 2004, एम बाबू लड्डू कावला 2012 फिल्मों में काम किया है। 7. कार्तिका नायर और तुलासी नायर। कार्तिका 24 साल साउथ की स्टार एक्ट्रेस हैं। उन्होंने जोश 2009 को 2011, धामु 2012, अन्ना कोडी 2013, वृंदावना 2013 सहित अन्य फिल्मों में काम किया है। वहीं उनकी छोटी बहन तुलासी 19 साल ने 2013 में फिल्म कादल से डेब्यू किया। इसके अलावा उन्होंने फिल्म यान 2014 में काम किया है। उनकी दोनों ही फिल्में खास कमाल नहीं कर पाई हैं। 8. श्रुति हासन और अक्षरा हासन। श्रुति हासन 31 साल ने बॉलीवुड के साथ ही साउथ की फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड में उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में उनकी गिनती हिट स्टार्स में होती है। वहीं उनकी छोटी बहन अक्षरा 25 साल ने बॉलीवुड की दो फिल्मों शमिताब 2015 और लाली की शादी मनी लड्डू दीवाना 2017 में काम किया है और दोनों ही फ्लॉप रही। उन्होंने एक तमिल फिल्म विवेकाम 2017 में काम किया है। वहीं श्रुति ने अनगंगा उधीरुद 2011, ओ मेरे फ्रेंड 2011, ये इब्द 2013, बलुगु 2013 सहित कई साउथ की फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड फिल्म लव 2009, दिल तो बच्चा है जी 2011, डीडे 2013, वेलकम बैक 2015 सहित अन्य फिल्मों में काम किया है।